एक और दिग्गज शेयर जहां खरीदारी करने के आय है वो है डीएलएफ डीएलएफ तीन सौ रुपए के आसपास डीएलएफ है और ये एक और स्टॉक है जो इस साल कमाल कर सकता है इस साल हमने सारे डीप बड़े और लिक्विड नाम लिए हैं जहां पर आपके लिए एंट्री एग्जिट इजी है जहां पर सबसे बड़ी बात वेल्यूशन का कम्फर्ट है पिछले दस सालों से रियल स्टेट सेक्टर कंसल्टेशन के मूड में और इस स्टॉक ने कुछ नहीं किया है जबकि अपनी बैलेंस शीट डी लेवरेज की है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है सेट लाइट मॉडल पर आए हैं डिविडेंड और माफ कीजिएगा रेंटल इल्स इनकी आ, काफी इंप्रूव हुई है तो डीएलएफ अच्छी दौड़ लगाने के लिए यहाँ से वेल पोजिशन है इसमें कोई डाउट ही नहीं ये एक स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में इस साल के लिए जरूर होना चाहिए पहली चीज दस सालों के कंसोलिडेशन के बाद रियल इस्टेट सेक्टर अब वापस से मजबूत होता दिख रहा है एक रिस्क जनरली कही जाती है कि हराइजिंग इंटरेस्ट सीनियर में थोड़ी रिस्क होती है डेफिनेटली होती है लेकिन उसके सामने वैल्यूएशन और आउटलुक का कंफर्ट बहुत है तो सेक्टर की जो मजबूती वो यहाँ पर देगी दूसरी बात इन्होंने काफी कुछ अपने कर्ज कम कर लिए तो बैलेंस शीट आपकी स्ट्रांग हो गई और अब आपके जो ब्याज की जो दिक्कत आती थी जिसकी वजह से कैश फ्लो डिस्टर्ब होते थे तो वो डी ने पूरा कम कर दिया अब एसेट लाइट मॉडल पर आ आगे उल्टा और तीसरी बात यह कि रेगुलर कैश फ्लो जो आए उसके लिए इनके पास जो रेंटल एसेट्स है उसका एक बड़ा बेस हो गया तो लगातार इन्हें लीज रेंटल्स जो मिल रहे हैं उससे बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो गई इसका फायदा नए प्रोजेक्ट्स में ये ले पा रहे हैं और प्राइसिंग पावर तो गजब का है डीएलएफ के पास इसमें कोई डाउट ही नहीं है काफी लोग ये मानते हैं है कि जो चीज डीएलएफ ने दिल्ली में और उसके आसपास में क्रिएट की गुड़गांव नोएडा में वो अपने आप में जबरदस्त क्वालिटी वाली और अब प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में आजकल बड़े बड़े महंगे फ्लैट्स बिकना बड़ा आसान काम हो गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं पहले जैसी तो इसलिए उसकी पोजीशन के लिए भी बहुत जबरदस्त है आपने देखा होगा 2014 के बाद हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस बार प्रॉपर्टी के और इस ट्रेंड में थोड़ा सा धीमापन भले आ जाए बदलाव नहीं आएगा प्राइस के हिसाब से भी आप देखें डीएलएफ अपने फिफ्टी टू वीक हाई से काफ़ी नीचे है पिछले तीन चार पाँच सालों में कहीं नहीं गया है स्टॉक तो आपके लिए आप देखिए पिछले साल आई आदित्य बिरला कैपिटल ऐसे स्टॉक जहां पर वैल्यूशन कंफर्ट है स्टॉक्स के रनअप नहीं आए बिल्कुल इस बार हम सारे स्टॉक वेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं न टाटा कम्युनिकेशन में बड़ा रनअप आया न टाटा मोटर्स में आया न डीएलएफ में आया तो ऐसे स्टॉक जो रनअप नहीं दे चुके हैं क्योंकि जनरली एक साल बड़ा रनअप देने के बाद स्टॉक अगले साल ठंडे हो जाते हैं लेकिन जो स्टॉक तीन चार पांच साल से रनअप नहीं दे रहे हैं बैलेंस शीट सुधरी है प्रॉफिटेबिलिटी सुधरी है वो स्टॉक आपके रिडार पर होना चाहिए टारगेट में आपको बता दूं चार सौ और छह ये तीन टारगेट के लिए डीएलएफ आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और अगर आपका चार पांच साल का व्यू है तो डीएलएफ कम से कम तीन चार साल में यहां से डबल होना चाहिए डबल हाँ बिल्कुल तो डी मेरे ख्याल से एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए